इस दुनिया में ऐसे कितने सांप पाए जा चुकी है जिनके बारे में आज मानव जाति सोच तक नहीं सकती। आज के युग में सबसे बड़ा और खतरनाक सांप एनाकोंडा को माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एनाकोंडा से भी बड़ा सांप धरती पर एग्जिस्ट करता था। ये सांप 60 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका के जंगल में पाया जाता था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप माना जाता था। इस सांप का नाम है टाइटेनोबोआ। ये सांप आज तो विलुप्त हो चुका है, पर एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में इसका नाम सबसे पहले आता था। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये सांप इस दुनिया में एक बार फिर से जन्म लेने वाला है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। टाइटेनोबोआ करीबन 60 लाख साल पहले धरती पर पाए जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। 2004 तक इसका एग्जिस्टेंस को झूठ माना जा रहा था, लेकिन 2004 के बाद ये कंफर्म हो गया कि टाइटेनोबोआ सच में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। इनके फॉसिल्स कोलंबिया में खोजा गया था। ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशाल सांपों में से एक है। इनकी लंबाई तकरीबन 40 फीट की थी और इनका वजन लगभग 11 से 35 टन तक था। इन सांपों को इनके आकार के साथ साथ इनके हुनर की वजह से भी जाना जाता था। शिकार करते वक्त ये अपने शिकार को बड़ी शांति और आसानी से दबोच सकते थे। शिकार करते वक्त ये अपने मौजूदगी को पता बिल्कुल नहीं लगने देते थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके दांत इतने खतरनाक और ताकतवर थे कि कोई भी इनके जबड़ों में आने के बाद दम तोड़ देता था। इसी वजह से ये सब मगरमच्छ जैसे जानवरों तक का शिकार बड़ी आसानी से करते थे और उन्हें खा जाते थे। बड़े बड़े जानवर जैसे कि मगरमच्छ, हिरण इनके प्रिय भोजन हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब धरती पर कैसे आए और इनका विनाश कैसे हुआ? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एस्ट्रॉयड की वजह से डायनासोर का खात्मा हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा? जब पृथ्वी पे एस्ट्रॉयड गिरा, पूरी धरती हिल चुकी थी। डायनासोर का तो विनाश हो गया, लेकिन बहुत से छोटे जानवर जैसे कि मैमल्स, रेप्टाइल भाग्यशाली निकले। जब डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे, तब पृथ्वी का तापमान बहुत ही ठंडा हुआ करता था, लेकिन एस्ट्रॉयड गिरने के बाद सब कुछ बदल गया। पृथ्वी के तापमान के साथ साथ सी लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया। इसी वजह से पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ का जन्म हुआ। इनका आविष्कार कोल माइन में हुआ था, जो कि कोलंबिया में मौजूद है। इस सांप की लंबाई एनवायरनमेंट की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये सांप एक कोल्ड ब्लडेड जानवर है और इसका मेटाबॉलिज्म एनवायरनमेंट की गर्मी पे डिपेंड करता है। ये सांप ठंडे माहौल में जीवित नहीं रह सकते। इन्हें जिंदा रहने के लिए गर्म तापमान की जरूरत है। टाइटेनोबोआ की फॉसिल्स को पढ़कर हमारे वैज्ञानिक ने यह अंदाजा लगाया है कि उस समय का तापमान करीबन 86 से लेकर 95 फारेनहाइट के बीच में रहा होगा। इनके बड़े आकार की वजह भी उस समय की पृथ्वी का तापमान ही था। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण बदलता गया, एनवायरनमेंट गर्म से ठंडा होने लगा। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होने लगा, वैसे वैसे ये सब धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। इनके आकार काफी छोटे होने लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में इन सांपों की जगह छोटे सांप ने ले ली। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि ये सब एक बार फिर धरती पर जन्म ले सकते हैं। इसका कारण साफ है। आज धरती का तापमान फिर से धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। जैसे जैसे तापमान फिर से बढ़ता जाएगा, वैसे ही सांपों का आकार भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो जब आज के छोटे छोटे सांप एक दिन उस विशाल टाइटेनोबोआ के रूप लेने लगे। जैसे इन सांपों को विलुप्त होने में काफी समय लगा था, वैसे इनको फिर से जन्म लेने में भी लाखों साल लग सकते हैं। संभावना ये भी है कि तब तक धरती का तापमान एक बार फिर से बदल जाए और टाइटेनोबोआ के जन्म होने की नौबत भी ना आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाइटेनोबोआ इस धरती पर फिर से जन्म लेगा? आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखना और हम फिर लौटेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।